बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख्वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात। आज 4 अक्टूबर 2020 है। आज का ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बड़ा महामन साबित होगा जो इस टाइम 1:47 PM लॉन्ग कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्टार्ट से लेकर अंत तक लेक्चर के तमाम क्वेश्चन नोट कर लें, इनको याद करें, इंशाल्लाह आपको ना सिर्फ इनिशियल टेस्ट में बल्कि इंटरव्यू में भी मदद देंगे। लास्ट में आपको स्टूडेंट्स की वीडियो देखेंगे और आज का टॉपिक था कि जंग की सूरत में पाकिस्तान को एटम बम पहले गिराना चाहिए या नहीं। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की जानेब। फर्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लें, सेव कर लें, 03239161961। इस नंबर पे आप मुझे अपना नाम, शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप करें, आपको मैं अपने ग्रुप का लिंक सेंड कर दूँगा। ज़रूर ये ग्रुप ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा जो मेरे नोट्स हैं वो भी मंगवा लें, और नोट्स आपने सिर्फ इसी नंबर पे कॉल करके मंगवाने हैं, किसी और नंबर पे किसी और शख्स से रابطہ करके नोट्स नहीं मंगवाने। पीडीएफ में मेरे नोट्स मौजूद नहीं हैं, मैं रिपीट करता हूँ, पीडीएफ की सूरत में ये नोट्स मौजूद नहीं हैं। और आपने जब भी नोट्स मंगवाने हैं इसी नंबर पे कॉल करके 03-2391-61961 पे डायरेक्ट मुझे कॉल करके आपने नोट्स मंगवाने हैं। इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारी ज़मीन के हवाले से कुछ मालूमात आपको दी जाएगी। हमारी ज़मीन, आप टॉपिक लिख लें, ज़मीन की उम्र कितनी है। ज़मीन की उम्र 5 अरब साल है तकरीबन। ज़मीन की बनावट कैसी है। ज़मीन नारंगी की तरह गोल और कुतबैन पर कदरे पिचकी हुई है। ज़मीन का रकबा कितना है। ज़मीन का टोटल रकबा है 50,98,03,110 मुरबा किलोमीटर। ज़मीन में खुश्की का कितना हिस्सा है। 26% खुश्की का हिस्सा। 26% ज़मीन में पानी का कितना हिस्सा है। पानी इसमें मौजूद है 71%। और ज़मीन में बर्फ़ कितनी है। ज़मीन में बर्फ़ है 3%। ज़मीन का सूरज से कितना फासला है। ज़मीन सूरज से कितने फासले पर है। ज़मीन और सूरज का जो फासला है वो तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर ज़मीन और सूरज का फासला है, यानी कि सूरज ज़मीन से या ज़मीन सूरज से 15 करोड़ किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये कायनात अल्लाह की बहुत बड़ी है, वसी है, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि सूरज से ज़मीन का फासला 15 करोड़ किलोमीटर है और कितने बाकी सितारे हैं जो ज़मीन जो सूरज से भी करोड़ों दर्जे बड़े हैं। चाँद से कितना फासला है ज़मीन का। चाँद से 3,84,403 किलोमीटर। दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी ज़मीन पर कौन सी है। माउंट एवरेस्ट, जिसकी बुलंदी है 29,028 फिट या 8,848 मीटर। और इस चोटी को, माउंट एवरेस्ट को, पहली बार 29 मई 1953 को सर किया गया था। दुनिया की ज़मीन पर दूसरी बुलंद तरीन चोटी कौन सी है। K2 है। इसकी बुलंदी 8,611 मीटर या 28,250 फिट है। रूए ज़मीन पर पहाड़ों का सबसे अजीम सिलसिला हिमालय करकरम रेंज है। इस सिलसिले में बुलंद तरीन चोटियाँ हैं। दुनिया में 24,000 फिट से बुलंद कुल 109 चोटियाँ हैं। सिर्फ इस सिलसिले में, यानी कि हिमालय करकरम रेंज में 109 में से 96 चोटियाँ इस पहाड़ी सिलसिले में वाक़ हैं। हिमालिया संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है। हम के मानी बर्फ़ और आलिया का मतलब घर है, यानी कि बर्फ़ का घर। दुनिया का ज़मीन पर सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है। दुनिया पर ज़मीन का सबसे बड़ा जजीरा ग्रीनलैंड है, जो बहरे मुंजमद शुमाली में वाक़ है। और इसका रकबा 21,75,601 मुरबा किलोमीटर है। सबसे लंबा दरिया ज़मीन में कौन सा है। सबसे लंबा दरिया नील है, जो बर आज़म अफ्रीका में वाक़ है। और इसका दियाना बहर रूम है, ये 6,671 किलोमीटर लंबा है। 6,671 किलोमीटर। सबसे बड़ी झील कैस्पियन है, जो एशिया में वाक़ है। इसका रकबा 3,71,000 मुरबा किलोमीटर है। सबसे बुलंद आबशार एंजल वेंजिला है, जिसकी बुलंदी 979 मीटर है। 979 मीटर है आबशार का नाम एंजल। और ये कहाँ वाक़ है। वेंजिला में वाक़ है। ये नोट कर लीजिए, जोग्राफी के हवाले से बहुत क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं इंटरव्यू में भी और टेस्ट में भी, ये आपको सही अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। दुनिया की आबादी तकरीबन 7 अरब है, ठीक है।
इसके अलावा स्टूडेंट्स ये आप नोट डाउन करें, ममालिक पुराने नाम और नए नाम। मौजूदा नाम है स्पेन, इसका पुराना नाम है उंदलस। जापान का पुराना नाम जापिंग। इटली का असोनिया, मिस्र का कैमिट, श्रीलंका का सेलोन, मलेशिया का मलाया, एथोपिया का हफ्शा, ईरान का फारस, बांग्लादेश का मशरकी पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया का हिजाज और नजद, और चीन का कैथे, इराक का मेसोपोटामिया। ये अक्सर मेसोपोटामिया के बारे में पूछा जाता है कि इराक का पुराना नाम कौन सा है। तो ये सारे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको याद कर लें ताकि आपके जहन में ये चीज़ें बैठ जाएं। नोट्स बनाएं ताकि आपको फ़ायदा हो। जिस तरह ये नोट्स हमने मेंटेन किए हैं, शहरों के पुराने और नए नाम, ठीक है, शहरों के पुराने और नए नाम। मौजूदा नाम इस्तांबुल, पुराना नाम कस्तनतुनिया, तुर्की में वाक़ ये, ठीक है, और मौजूदा नाम बीजिंग, पुराना नाम इसका पीकिंग, चाइना में वाक़ है, चीन में। मौजूदा नाम वाराणसी, पुराना नाम बनारस, भारत में वाक़ है। मक्का का पुराना नाम बत्था या बक्का, सऊदी अरब में वाक़ है। मदीना का पुराना नाम यसरब, सऊदी अरब में वाक़ है। गुजरांवाला का पुराना नाम खानपुर, पाकिस्तान में वाक़ है। फैसलाबाद का लायलपुर, पाकिस्तान में वाक़ है। कराची का कुलांची, पाकिस्तान में वाक़ है। पेशावर पुरशपुर, ठीक है, पेशावर से निकला है पेशावर, इसके पुराना नाम पुरशपुर, पाकिस्तान में वाक़ है। साहिवाल का पुराना नाम मिंटकुमरी, पाकिस्तान में वाक़ है। आगरा, ठीक है, आगरा जिसका पुराना नाम अकबराबाद, आगरा वही शहर है जहाँ गालिब पैदा हुए थे, आगरा में, बाद में हिजरत करके आप दिल्ली चले गए, और ये वाक़ है भारत में। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लें और इसे याद करें। नेक्स्ट चलते हैं ममालिक, शहर जिन नामों से मशहूर हैं। तुलू होने की ज़मीन, तुलू होते सूरज की ज़मीन कहते हैं जापान को। दुनिया की छत कहा जाता है तिब्बत को। पैगंबरों की सरजमीन कहा जाता है फ़लस्तीन को। एशिया का दिल मलेशिया। सात पहाड़ों का शहर रोम, ठीक है, इटली में वाक़ है। गुलाबों की बस्ती शिराज ईरान। फलकबोज इमारतों का शहर न्यूयॉर्क। बाज़ारों का शहर काहिरा मिस्र में। मुस्लिम की आँख कुर्तबा स्पेन में वाक़ है। खुशबुओं का शहर पेरिस फ्रांस में वाक़ है। गुम्बदों का शहर इस्तांबुल तुर्की में वाक़ है। फरिश्तों का शहर लॉस एंजल्स अमेरिका में वाक़ है। कदीम इमारतों का शहर अनकरा तुर्की में वाक़ है। पाकिस्तान का मैनचेस्टर फैसलाबाद पाकिस्तान का हिस्सा है। मंदिरों का शहर बनारस। औलिया कराम का शहर मुल्तान पाकिस्तान में वाक़ है। रोशनदानों का शहर हैदराबाद पाकिस्तान। नहरों का शहर वीनस इटली में वाक़ है। दोबारा से मैं अपना नंबर आपको दे रहा हूँ 0323916 1961। इस पर कॉल करके जो नोट्स हैं इनिशियल टेस्ट के, ISB के, ये फिल फॉर मंगवाएं। इनिशियल टेस्ट आपका इंशाल्लाह ताला रजिस्ट्रेशन की होने वाली है अक्टूबर में। उम्मीद है कि 8 अक्टूबर से शायद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए। तो जो स्टार्ट हो मुझे भी आप इतला दीजिएगा ताकि हम अपने स्टूडेंट को आगाह करें। ज़रूर आप रजिस्ट्रेशन करवाएँ अगर आपकी प्रिपरेशन सही है। अगर आपकी प्रिपरेशन सही नहीं है तो आप प्रिपरेशन करके जाएँ। विदाउट प्रिपरेशन आप अप्लाई ना कीजिएगा, अपना चांस ज़ाया ना कीजिएगा। प्रिपरेशन के बगैर आपने अप्लाई नहीं करना। प्रिपरेशन करें अच्छे तरीके से कम एक महीना आप पढ़ के जाएँ, स्टडी करके जाएँ, वरना ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाएं, इनिशियल टेस्ट में फेल हो जाएं। तो जो स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, ज़रूर सुरखरू होंगे। मेहनत कामयाबी की कुंजी है। तो इसी नंबर पे आप कॉल करके नोट्स मंगवा सकते हैं। जिससे पहले मैंने बताया किसी और नंबर पे आपने किसी और से रब्ता करके नोट्स नहीं मंगवाने, कोई असिस्टेंट नहीं है मेरा, ठीक है, इस हवाले से, नोट्स के हवाले से डायरेक्ट स्टूडेंट मेरे से रब्ता करते हैं और नोट्स मंगवाते हैं। तो इसी नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। आइए सुनते हैं लेक्चरेट टॉपिक। मैंने बताया स्टार्ट में कि जंग की सूरत में पाकिस्तान को पहले एटम बम का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्टिंग विद द ग्रेट नेम ऑफ अल्लाह हु इज द मोस्ट मर्सीफुल एंड माइटी। लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक, जंग की सूरत में पाकिस्तान को पहले एटम बम फेंकना चाहिए या नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जंग की सिचुएशन को देखना चाहिए कि विच लेवल का जंग है, कौन से लेवल का जंग है। अगर एक मामला डायलॉग बातचीत से ख़त्म होती है देन वी विल नॉट वांट टू फाइट, बट अगर बात उससे आगे बढ़ती है तो फिर छोटी मोटी लड़ाई के लिए आगे जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर बात सरजमीन की हिफाजत की आती है, अगर मुल्क की हिफाजत की आती है, अगर मुल्क के लोगों की हिफाजत की आती है, तो हमें फिर जान की बाजी लगानी पड़ेगी।
मगर एटम बम तक बात नहीं ले जानी चाहिए, क्योंकि अगर हम एक्शन करते हैं तो ये बात दिमाग में रखना चाहिए कि हमारे अगेंस्ट हमारे जो है ना अगेंस्ट में रिएक्शन भी आएगा। एवरी रिएक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सो वी विल थिंक अबाउट दिस। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर बात छोटी मोटी लड़ाई तक है तो ठीक है, अगर फिर बात बड़ी होती है तो हमें 100 और 1000 बार सोचना चाहिए कि रिएक्शन आएगा। अगर एक्शन हम करते हैं तो रिएक्शन आएगा, और इस तरह अगर कोई और भी एक्शन करता है तो हम फिर ऑब्वियसली बात है कि हम रिएक्शन करेंगे। अगर एक्शन आते हैं तो रिएक्शन तो करेंगे, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हमारी एक्शन की बारी है, पहली हमारी बारी है, तो हमें 110 बार सोचना पड़ेगा कि क्यों हम कर रहे हैं, लेवल कौन सी है जंग की, फिर हमें कुछ सोचना पड़ेगा। अगर हम एटम बम फेंक दें तो इसमें हार सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा इंसानियत की हार होगी। हज़ारों और लाखों सोल्जर्स इस तरफ भी शहीद होते हैं, उस तरफ भी मारे जाते हैं, मगर बात यह है कि सबसे ज़्यादा फिर इंसानियत की हार होती है, क्योंकि जंग में जीत किसी की भी नहीं होती और सारी की सारी गरीब आवाम को ज़्यादा नुकसान मिलता है। अगर हम देखें तो हिरोशिमा और नागासाकी, वहाँ पर जैसे कि एटम बम गिराए गए, तो आप देखें वहाँ पर आज भी वो जो है ना असरात मौजूद है, वो रेडिएशन और वो सब कुछ। तो हमें 1000 बार सोचना चाहिए कि इस एटम बम फेंकने के क्या असरात होंगे, और हम पर भी उनकी कुछ ज़रूरी बात है कि फिर वो जो हमारा बजट है वो हम पर वो रिएक्शन करेगा। तो हमें ये बात दिमाग में रखना चाहिए, फिर एटम बम फेंकना चाहिए, क्योंकि एटम बम फेंकना मेरे ख्याल में पाकिस्तान ये बड़ा स्टेप नहीं ले पाएगा और ना ले सकेगा। अच्छी बात है कि ना लेता नहीं लेता, क्योंकि इससे इंसानियत की हार होगी। और माशाल्लाह हमारा जो अभी जो सिचुएशंस है, ये बात वहाँ तक नहीं जाती कि हमें एटम बम फेंकनी चाहिए। तो हमें 1000 बार सोचना चाहिए एटम बम फेंकने से पहले, क्योंकि जंग में जीत ना कभी तुम्हारी और ना कभी हमारी हुई है, हमेशा जीत हमेशा हार जो है ना इंसानियत की हुई है, इकोनॉमी की हुई है, क्योंकि जंग की सूरत में सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी और इंसानियत तबाह हो जाती है। थैंक यू। हमारे एक्स कोर कमांडर, स्टेशन कमांडर, 5-4 के चीफ मेजर जनरल मुजफ्फर हुसैन उस्मानी साहब इंतकाल कर गए। आपने टीवी में देखा होगा और उनकी गाड़ी भी देखी होगी, उनकी उस वक्त की कंडीशन, उनके क्लॉथिंग्स भी देखी होगी। मैं आपको एक बात बावरा कराता चलूं कि ये मुशर्रफ दौर के पावरफुल जर्नल्स में से एक जर्नल थे। ठीक हो गया, सफ़ेद पोशी का आलम आपने देख चुके होंगे, ये उन कुत्तों के लिए है जो पाक फौज और डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए भौंक रहे होते हैं और मुसलसल भौंक रहे होते हैं। इनको हड्डी पता नहीं कहाँ से मिलती है, आई डोंट नो, बट थोड़े से पैसों के लिए ये अपने मुल्क की फौज जो 24 घंटे 24/7 इनकी हिफाजत के लिए सरहदों पर, गली कूचों में, हर जगह पर लड़ रही होती है, ये उनके लिए भौंक रहे होते हैं। इनको लग रहा होता है कि जनरल्स खा रहे हैं, इनको लग रहा होता है कि जनरल्स अय्याशियाँ कर रहे हैं, इनको लग रहा होता है कि डिफेंस डिपार्टमेंट अय्याशियों में लगा हुआ है। ओ भाई, अगर ऐसा होता तो कुछ लेफ्टिनेंट जो शहीद होता है, वही लेफ्टिनेंट अगर शहीद ना हो तो वही जाके जनरल बनता है। जनरल कोई ऊपर से अपॉइंट नहीं होता, या कोई CSS का एग्ज़ाम देकर ऊपर से नहीं आ रहा होता। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। रही बात हमारे चीफ ऑफ आर्म स्टाफ की या स्टाफ कमेटी की, तो तकरीबन ऑलमोस्ट उसमें SSG होते हैं, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप वाले ही होते हैं। और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप वालों की अगर आप ट्रेनिंग की थोड़ी सी भी अगर आपको नो हाउ हो ना, तो आपको पता चले कि वो किस तरह के होते हैं। और रही बात पैसे की, तो आपके पॉलिटिशियंस आपके मुल्क का क्या हासिल कर चुके हैं, यू नो वेरी वेल। तो खुदारा मीडिया पर्सन जितने भी हैं अपने मुंह को लगाम दें और कम अज़ कम फौज के लिए ना बोलें, कम अज़ कम फौज के लिए ना बोलें, डिफेंस डिपार्टमेंट्स को अपना काम करने दें। आई विश यू ऑल ओवर द वेरी बेस्ट।
अगर आप लोगों ने अपनी फौज का साथ नहीं दिया, अपने डिफेंस डिपार्टमेंट्स का साथ नहीं दिया, तो आपका भी हाल जनाब वही सीरिया, शाम, लीबिया और इराक जैसा ही होने। आगे आपकी मर्जी, अल्लाह पाक हम सबको हिफ्ज़ो अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।